ये लड़कियां सो रही होती है तभी से पता चलता है कि इसे किसी ने यहाँ बंद कर दिया है। सारे खिड़की दरवाजे सील कर रखे थे। ये उन दरवाजों को खोलने की कोशिश करती है पर वो खुलते ही नहीं। तभी इसको पता चलता है कि इस घर में टाइगर घुस आया है और ये उसे बचने के लिए एक चिमनी में छुप जाती है। इसके हाथ और पैर फिसल रहे होते हैं तभी उसका पसीना नीचे गिर जाता है। जैसे ही टाइगर को चाटता है उसे पता चल जाता है कि वो लड़की ऊपर है। वो उस पर वहाँ अटैक करने की कोशिश करता है और लड़की जैसे तैसे करके उस पाइप के थ्रू ऊपर के कमरे में चले जाती है। तभी वो वहाँ अपने बगल में अपने भाई को पाती है। वो उसे अपने कमरे में ले जाती है और जहाँ वो कंप्यूटर की से हेल्प मांगने की कोशिश करती है पर इंटरनेट चल नहीं रहा होता है। टाइगर को ढूंढते हुए उनके कमरे में आने लगता है। तभी वो अपना परफ्यूम को चारों तरफ छिड़कती है और अपने भाई के साथ बिस्तर के नीचे छुप जाती है। टाइगर अंदर आ जाता है पर वो परफ्यूम की खुशबू की वजह से उन्हें सूंघ नहीं पाता। टाइगर बिस्तर पर कूद जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ सब शांत हो जाता है पर उन्हें अब ये नहीं पता था कि टाइगर वहाँ है या नहीं।